नमस्कार, मैं शमसुल लेबी और आप देख रहे हैं न्यूज। मैं आके यहाँ पहुँचा हूँ न्यू हापा रेलवे स्टेशन में। और आप लोगों को एक खुशखबरी देने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि न्यू हापा रेलवे स्टेशन कुछ साल पहले ही ये बन के तैयार हुआ था। आप लोगों को याद है कि सबसे पहले हम लोग मीटर गोज में सफ़र करते थे, उसके बाद ब्रॉडगोज में हम लोग आए हैं। तो जब ब्रॉडगोज हुआ तब जाके ये न्यू हापा रेलवे स्टेशन, और उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेन का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोगों को पता है कि आप गुवाहाटी से हापलोंग आने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेन है, जैसे कि आप मान के चलिए कि सिलचर स्पेशल एक ट्रेन है और रात को एक छोड़ता है वहाँ से गुवाहाटी से, जो सुबह आके यहाँ पहुँचता है। इस तरह के काफ़ी ट्रेन है, और इसके बीच दूर जाने के लिए भी अगर आपको कोलकाता भी जाना हो तो आप न्यू हापलोंग से डायरेक्ट जा सकते हैं। कंचनजंगा जैसा ट्रेन है, कोलकाता स्पेशल है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेन आप दिल्ली जा सकते हैं, संपर्क क्रांति उस तरीके का ट्रेन है। और इस बीच विस्ताडोम भी एक ट्रेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप पॉपुलर है, लोग इसमें आते हैं यहाँ पे। पहले ये हापलोंग न्यू हापलोंग तक ही चलता था गुवाहाटी से, और अब ये जो ट्रेन है ये बदरपुर तक जाता है। इस बीच जो मैंने आपको बताया था कि खुशखबरी वो ये है कि एक डीमू ट्रेन चलने का, आप लोगों को बता दें कि ट्रेन क्या है। आप लोगों ने शायद फिल्मों में खास करके देखा होगा कि एक लोकल ट्रेन हुआ करता है मुंबई में या तो कोलकाता में, उस तरीके का एक स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलेगा। और ये ट्रेन बताया जा रहा है कि लामनिंग से लेकर बदरपुर के बीच चलेगा, और इसका सफ़र करीब करीब 4 से 5 घंटा में इसको तय करना है, ये पूरा जो रूट है। और बताया जा रहा है कि 19 या 20 तारीख इसी महीने से ये चलेगा। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं यहाँ के, जो लोकल पैसेंजर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खास करके जो पैसेंजर्स ट्रेन होते हैं उसमें जो लोकल पैसेंजर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है बैठने के लिए, सही तरीके की जगह नहीं मिलता, और काफ़ी नज़दीक जाना होता है तो काफ़ी जो समय में उनको वो ट्रेन पकड़ना भी मुश्किल होता है। तो अब जब लोकल ट्रेन चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज उसका एक ट्रायल चला था, हम जब आए थे, जो दृश्य आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है वो उसी ट्रेन का है जो ये न्यू हापलोंग यहाँ से क्रॉस करके जब गया था तब हम यहाँ पे उपस्थित थे, तो इसीलिए हमारे हाथ ये दृश्य लगा है, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये कहना होगा कि ये ट्रेन, जैसे कि हमें ये सोर्सों से पता चल रहा है, हालांकि रेलवे की तरफ से कोई इस तरीके का प्रेस स्टेटमेंट अभी भी नहीं आया है, लेकिन ये ट्रेन 19 या 20 तारीख से चल सकता है। लेकिन इसका जो पूरा दारोमदार है, यानी कि ये पूरा डिपेंड होगा कि रेलवे अब क्या डिसीजन लेता है। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर ये ट्रेन चलता है तो बदरपुर से लेकर लामडिंग तक के बीच का जितने भी जगह है, यानी कि जो लोकल पैसेंजर है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये सुविधा होने वाला है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे और याद रखें कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।